आज मौसम ने एक अलग ही रुख पकड़ा हुआ है। लगातार बारिश हो रही है यहाँ पे 4 से 5 दिनों से। अब ट्रेनों का लेट होना भी अब शुरू हो चुका है, पर ऐसे मौसम में इकोनॉमी क्लास में जर्नी ना की जाए तो क्या फ़ायदा। ऐसे ही सोच के साथ मैं निकल पड़ा था अपने जर्नी में मॉनसून के टाइम पे। बारिश हो रहा है यार ट्रेन जैसे ही वैसे इतना खतरनाक बारिश स्टार्ट हो गया अभी देखते हैं फिर थोड़ी सी रुकेगी तब मुझे उतना दूर वहाँ तक जाना है लेकिन बहुत तगड़ी वाली बारिश हो रही है अभी बस थोड़ा सा वेट कर रहे हैं कि बस रुक जाए वैसे अपने ट्रेन का स्टॉप है यहाँ पे 5 मिनट और फिलहाल देखते हैं अभी कितने देर तक रुकी हुई है नहीं है तो मैं किसी में भी उठ जाऊँगा वैसे दिक्कत नहीं है फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं मानसून का इन्जॉय कर ही लेते हैं। बस भाई साहब मेरा तो दिक्कत नहीं है, बस मेरे बैग में लैपटॉप है वही प्रॉब्लम हो जाएगा भीग जाने से, इस वजह से थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। वेट करने में क्या होता है, नहीं तो फिर भी कोई भी डब्बा में एक तो उठ जाना ही होता है। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत सा है, काफ़ी ज़्यादा अलग सा है ये इकोनॉमी क्लास डिज़ाइन यार सुपर्ब। क्या क्या चेंजेस है दिखाता हूँ मैं आपको। पावर सॉकेट मिल रही है कि एक रीडिंग लैंप मिल रही है, काफ़ी सुंदर काफ़ी खूबसूरत सा है ये। एक वाटर बॉटल होल्डर मिल जाएगा आपको जिसकी बिल्ड क्वालिटी भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इसे अगर होल्ड भी कर रहे हैं तो एकदम हिलने का कोई चांस ही नहीं है। और एक खूबसूरत सा कार टेंट मिलता है यहाँ पे। बात करें इकोनॉमी क्लास का वॉशरूम, तो वॉशरूम का कंडीशन मुझे बिल्कुल ठीक ठाक ही लगा। बस यही है कि पानी इसमें आ ही नहीं रहा था, मैं पाँव से प्रेस करे जा रहा था बस पानी आने का नाम ही नहीं ले रहा था। बाय द वे मैं कॉम्प्लेन तो डाल दिया हूँ, अभी देखता हूँ मुझे कब तक इसका रिस्पॉन्स मिलता है।
Hey, come on up.